Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success. डिजिटल मीडिया से टीवी को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लोग अब टीवी छोड़कर डिजिटल मीडिया की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी डिजिटल मीडिया के कंटेंट को पसंद कर रही है। ये बात शिमला में भाभी जी घर पर है नाटक के लीडिंग एक्टर रोहिताश्व गौड़ ने कही। गौड़ ने कहा कि डिजिटल मीडिया आज के समय में काफी अच्छे कंटेंट सामने ला रहा है, जिससे टीवी खतरे में आ गया है। टीवी को जिंदा रहने के लिए अपना कंटेंट अच्छा करने की जरूरत है। सास बहू और नागिन जैसे नाटक डिजिटल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। रोहिताश्व गौड़ ने कहा कि ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा 64वां ऑल इंडिया ड्रामा और डांस प्रतियोगिता का आयोजन शिमला में 6 से 10 जून तक होने वाला है, जिसमें देश के 22 राज्यों के 1000 से ज्यादा कलाकार 320 डांस और 30 नाटक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। भाभी जी घर पर है नाटक के लीडिंग एक्टर रोहिताश्व गौड़ हर वर्ष इस प्रतियोगिता को आयोजित करते हैं। नाटकों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों और मोबाइल के दुष्प्रभाव से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर पर प्रकाश डाला जाएगा। इस बार पूरे भारतवर्ष से मतलब 22 स्टेट से टीमें हैं। मतलब आप ये सोच लीजिए कि हमारे AIA ने पूरे 22 स्टेट्स को पहली बार कवर किया है। बीच में जो है हम दो एक ही जगह केंद्रित हो गए थे, जैसे छत्तीसगढ़ से टीमें आती थी या ज्यादातर टीमें जो है वो कहाँ से उड़ीसा से या सिर्फ कुछ ही गुजरात से ज्यादातर, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मणिपुर कैलकाटा हर स्टेट को हमने कवर किया है। तो 320 के करीब डांसेस हैं, 30 नाटक हैं और अलग अलग विषयों को लेकर नाटक हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है इस बार। जी हाँ, इस बार हम एक ड्रामा के स्टूडेंट को और एक डांस के स्टूडेंट को AIA की तरफ से स्कॉलरशिप देंगे। देखिए, कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा परोसना पड़ेगा, जैसा डिजिटल मीडिया में परोसा जा रहा है। आप विदेशी सीरीज उठा के देखें या इवन इंडियन कॉन्टेस्ट में भी जो सीरीज बन रही है, जैसे अनुराग कश्यप ने जो है अभी बनाई है सेक्रेट गेम्स बनाया है और अपहरण बनाया है सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने, और अभी दिल्ली क्राइम्स अगर आप देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि निर्भया कांड को लेकर बनाया गया है। कमाल का कॉन्टेंट है, कमाल की एक्टिंग है, कमाल की मेकिंग है। तो टीवी में अभी अगर हम नागिन जैसे उससे चिपके रहेंगे या सास बहू से चिपके रहेंगे तो टीवी देखना शायद डिजिटल मीडिया पे लोग खत्म कर देंगे, खासकर बच्चे तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। तो हमें इनसे कम्पीट करने के लिए कंटेंट बदलना पड़ेगा, मेकिंग बदलनी पड़ेगी, एक्टिंग स्टाइल्स चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो टीवी खत्म हो जाएगी। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट।